हिसार के बरवाला रोड स्थित ऑब्जर्वेशन होम से 17 बाल कैदी मौके पर फरार हो गए। भागने वालों की आयु 16 से 17 वर्ष की है, जो कि ज़्यादा रोहतक व झज्जर क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार बाल कैदियों ने 3 कर्मचारियों पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया और बाद में फरार हो गए। जिला पुलिस ने बाल कैदियों को पकड़ने के लिए टीमों का गठन भी कर दिया है, परंतु अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बाल कैदियों पर संगीन आपराधिक मुकदमे हैं। घायल कर्मचारियों को सामान्य अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। हमें शाम को इन्फॉर्मेशन मिली थी भी ऐसे ऐसे झगड़ा करके के दी और अपने मुलाजमों के चोट वगैरह मार के ऑब्जर्वेशन होम से भाग गए, तो हम मौके पे आए और हमने अपनी टीमें सारी लगा दी थी सर्चिंग के लिए। बाद में हमें जो यहाँ के स्टूडेंट है उन्होंने अप्लीकेशन दी है कि भी हमारे काउंटिंग करके भी 17 हमारे बाल कैदी यहाँ से फरार हो। ये करीब शाम को 6:30 की है, तो अभी रिकॉर्ड वगैरह ले रहे हैं जो कुछ मर्डर केस और इसमें इन्वॉल्वमेंट है। बस उन्होंने जैसे ये शाम को ये बता रहे हैं कि भी हमारा 4 से 6 उनको ओपन का है और खाने का है, खाने का जो टाइम होता है उनको बंद करवा रहे थे। जब उनकी चेकिंग कर रहे थे तो उस टाइम उन्होंने अपने प्री प्लान होकर के इनके अटैक कर दिया। इसमें 3 मुलाजम घायल हुए। इनमें हमने सारे अपने SP साहब ने सारे अपने SHO वगैरह CIA इंचार्ज वगैरह सारे नहीं अभी कोई ये अभी रोहतक साइड के हैं, अभी सारे से मतलब टोटल पता करेंगे रोहतक जजर वगैरह के। अभी हम कुछ नहीं कर रहे क्यों, अभी हमने FIR लॉन्च करी है तो अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो ये अपने माइनर ही है सर, जो ऑब्जर्वेशन होम में है तो ये जो नहीं है सर, बस ये अंदर से उन्होंने थप्पड़ वगैरह और ये खिड़की का वो अपने डंडे वगैरह, टोटल 97 की स्ट्रेंथ। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।